प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
परमहंस परिव्राज का चार जा अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार जा अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु गण की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे इस्कॉन मायापुर हिंदी के इस दैनिक श्रीमद् भागवतम प्रसारण में। यूट्यूब फेसबुक के जरिए देखने वाले सभी दर्शकों वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि परंपरा है श्रीमद् भागवतम का पाठ शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्री श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमोम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो जो क्रम चल रहा है हमारा वो है प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय श्लोक संख्या है 7 और 8। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। आपके फोन में यदि अवेलेबल हो तो आप ठीक है तो मैं पाठ करती हूँ। क्षुद्रायुषाम नृणाम मंग मर्त्यानामृतमिच्छताम
इहोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि क्षुद्रायुषाम नृणामंग। मैं बोलती हूँ, आप जितना आपको समझ में आए बोलिएगा। क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान् भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि मित्रकर्मणि क्षुद्रायुषाम नृणामंग शुद्राशुरामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम मर्त्यानामृतमिच्छयाम इहोपहूतो भगवान् इहोपहूतो भगवान् मृत्युषामित्र कर्मणि। मित्रकर्मणि। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य, जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है, तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। श्लोक 8। न कश्चिन् म्रियते तावद् यावदास्त इहांतकः। एतदर्थम् हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरि लीलामृतम् वचः। अनुवाद, जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की राम बाण औषधि है श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई हैं। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो थोड़ा हम पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि अध्याय क्या है, कौन कह रहा है, ये श्लोक किसके द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, तो सबसे पहली बात जो है वो है, इस अध्याय का नाम वो है, महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। 16वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का। मतलब हम सभी जानते हैं, महाराज परीक्षित जब गए थे आखेट के लिए वन में, तो वहां पर उन्होंने देखा था एक गौ माता है और एक बैल, दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। तो वो दृश्य उनको बहुत अद्भुत लगा कि ये कैसे दोनों पशु योनि में और संवाद कर रहे हैं,
इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है। तो निकट जाकर के उनका संवाद सुन रहे थे, तो वो गौ माता कह रही थी कि आपका जो ये तीन पैर कट गए हैं, तीन पैर जो आपके तोड़ दिए गए हैं, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन वो जो धर्म रूपी बैल है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी के कारण किसी को सुख दुख नहीं मिलता। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि जो भी हमको मिलता है वो हमारे अपने कर्मों का फल स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो धर्म ने इस प्रकार का जो वाक्य वहां पर गौ माता, जो पृथ्वी है वो गौ माता का रूप धारण करके वहां पर आई है, तो उनको वहां पर धर्म रूपी जो बैल है उनको वहां पर समझाया है ना। वहां पर बैठ जाइए प्रभु जी आप। अच्छा भाई, तो हम समझ गए कि जो परीक्षित जी महाराज की भेंट हुई थी, हरे कृष्ण, पृथ्वी रूपी गौ माता से और धर्म रूपी बैल से जब आखेट के लिए गए थे, तो वहां पर इन दोनों से भेंट हुई। देखा कि दोनों संवाद कर रहे हैं, और देखते ही देखते उन्होंने देखा कि जो एक राजा के वेश में एक व्यक्ति, काला काला सा, लेकिन है वो कौन? कली। हाँ, है वो शूद्र लेकिन राजा के भेष में आ गया। तो ये हमारे जो आज के समय की सच्चाई है, हम सभी जानते हैं जो राजा के भेष में है असल में वो है कौन? शूद्र है। उसको राज्य करने का अधिकार नहीं है वर्णाश्रम की रीति के अनुसार यदि देखा जाए तो, किंतु वो राज कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ श्लोक जो अध्याय है पहले उसको हम समझ लेते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अध्याय है कि महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सत्कार किया। तो जब महाराज परीक्षित को राज तिलक करके, राज्याभिषिक्त करके, जब युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाइयों और पत्नी को लेकर के जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ सिद्धांत, कुछ धर्मोपदेश महाराज परीक्षित को वहां पर दिया था कि देखो पुत्र, तुम यदि एक सफल राजा बनना चाहते हो तो शरण में आए हुए व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा दुष्ट या शत्रु क्यों ना हो, पहली बार उसको क्षमा कर देना, एक बार। उसके बाद यदि तुमको लगता है कि नहीं, इसको अगर दंड नहीं दिया गया तो ये राज्य के लिए खतरा है, तो तुम उसको निश्चित रूप से दंड दे सकते हो, लेकिन पहली बार तुम उसको क्षमा कर देना, है ना। तो कलयुग ने जैसे ही देखा कि ये तो पांडुवंशी राजा है, और पांडुवंशी राजाओं का तो सिद्धांत है कि शरण में आए हुए को क्षमा कर देते हैं, तो तुरंत उसने मौका देखते ही महाराज परीक्षित के चरणों में गिर करके और त्राहिमाम राजाधिराज, आप तो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, सप्तद्वीपवती महीम, आप तो ये पूरी सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी है इसके सम्राट हैं आप तो, है ना। तो आपसे मैं जो है शरण चाहता हूं, और आपका सिद्धांत है कि शरण में आए हुए को आप क्षमा करते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ठीक है, अब तुम शरण में आ गए हो इसलिए मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं, तुम वहां रहो। तो हम सभी जानते हैं द्युतम पानम श्रिया सुना, हाँ, और पुनः याचमान, पुनः जब याचना की थी तो अनीति का धन, अनीति का जो स्वर्ण है उसमें भी एक स्थान दिया था। तो ये हो गया पहले हमारा अध्याय के ऊपर थोड़ा दृष्टि, हमने दृष्टिपात किया कि अध्याय क्या है, किस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किया, उनको स्थान दे दिए, उनको सीमित कर दिया, और इस प्रकार से एक चीज पे हम समझ गए। अब हम देखते हैं ये जो संवाद है ये किसके बीच में चल रहा है, ये है सूत शौनक संवाद। क्योंकि अभी तक महाराज परीक्षित सुखदेव जी के पास नहीं गए हैं, अभी वो कलयुग से सामना हुआ है, अभी आगे की घटनाएं होंगी, वो आखेट के बाद जलपान करने के लिए जाएंगे, वहां उनको शाप लगेगा इत्यादि, वो सब घटनाएं बाद में अगले अध्यायों में आएगी।
अभी ये जो अध्याय है इसमें हो रहा है सूत शौनक संवाद, यानी नैमिषारण्य के जो वनों में, जहां पर वो नैमिषारण्य के वन में जहां पर सूत जी महाराज को व्यास गादी पर बैठा करके शौनकादि 88,000 ऋषियों ने उनसे श्रीमद् भागवतम और अन्य कई कई ग्रंथों का वहां पर श्रवण किया था, क्योंकि शौनक जो है उन सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शौनक ऋषि। इसीलिए जो कई कई पुराण है, ग्रंथ है, उनमें लिखा आता है ना शौनकादि 88,000 ऋषि। सत्यनारायण की कथा में भी लिखा आता है कि शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी आगे क्या हुआ इत्यादि, है ना। तो जो शौनक ऋषि है वो उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सबसे आगे बैठ करके, है ना। तो शौनक ऋषि जो है वो बहुत जिज्ञासु है, और जब तक कोई जिज्ञासु नहीं होता तब तक उसको भगवान के चरित्र सुनने में, भक्ति करने में उतना आनंद नहीं आएगा, वरना तो वो नीरस जीवन है, सूखा सादा जीवन जी रहा है, क्या मतलब, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरे प्राप्ति के लिए चार लोग प्रयत्नशील रहते हैं, उनमें से जिज्ञासु भी एक है, है ना। तो जिज्ञासु हैं शौनक ऋषि, इसीलिए तो उनको सूत जी जैसे महान, सूत गोस्वामी जैसे महान वक्ता के द्वारा कथा श्रवण अपने कर्ण रंध्रों में उस कथा अमृत को भर भर के पी रहे हैं। इन कानों को दोने बना लिए उन्होंने, दोना होता है ना जिसमें सब्जी लेते हैं, वो बना करके उसमें कथा अमृत को भर भर के पान कर रहे हैं। और एक श्रीमद् भागवतम नहीं, कई कई पुराणों की, क्योंकि 1,000 वर्ष का वो सत्र था, तो उस 1,000 वर्ष के सत्र में उन्होंने कई पुराणों ग्रंथों की कथाएं, सत्यनारायण की कथा भी उसमें से एक है, और भी कई कई पुराणों की कथाएं वहां पर हुई हैं, इसमें से एक श्रीमद् भागवतम भी है, हम सभी जानते हैं। तो यहां पर शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं, थोड़ा हम अब श्लोक पर आ जाते हैं। हमारा जो श्लोक है इसमें शौनक ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो शौनक ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी से कि जिनके अंदर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, अर्थात जो मुमुक्षु हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसके अनुसार साधन करते हैं। जिनको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं वो उनके पीछे भागते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं दिन भर, और फिर रात को थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह गधे की तरह मेहनत करते हैं। तो जिनको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए वो उसके अनुसार मेहनत करते हैं, लेकिन जिनको आध्यात्मिक सुख चाहिए वो उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और यहां पर कह रहे हैं कि जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, तो शाश्वत जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पहले हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लें कि एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है अपने आप को शरीर मानना, यानी कि देहात्म बुद्धि, और एक होता है अपने आप को जो सही हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हमारा जो असल स्वरूप है। ये दो कॉन्सेप्ट है, दो विचारधाराएं हैं। अगर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि मानेंगे तो निश्चित रूप से देह को मरना है तो हाँ, हमको मरने का भय होना लाजमी है, वो तो होगा ही, क्योंकि हम अपने आप को अगर देह मान रहे हैं तो देह तो मरेगी, उसका तो नाम ही मरण धर्म है, उसको तो मरना ही है, ये न केन प्रकारेण किसी रूप से मरेगा। तो अपने आप को यदि हम शरीर मानेंगे तब तो मृत्यु आनी है, लेकिन अगर हम अपने आप को अपने असल स्वरूप में जान जाएं कि हमारा असल स्वरूप है आत्मा, और आत्मा न जजायते न मरिष्यति, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो जब जन्म नहीं मृत्यु नहीं तो फिर मृत्यु का भय कैसा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ये हमको अपना स्वरूप दिखाता है, है ना। शुरू से आखिरी तक क्या प्रक्रिया चल रही है, यही तो प्रक्रिया चल रही है ना, प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक क्या हुआ, हम अपने स्वरूप में आ गए। ये पूरी नवदा भक्ति की प्रोसेस है, प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक ये पूरी नवदा भक्ति की एक प्रोसेस है।
है ना, इस नवदा भक्ति की प्रोसेस से गुजर के आएंगे तो दशम स्कंद में हमको कृष्ण मिल जाएंगे, है ना। पहले नवदा भक्ति के एक एक, जैसे वो कोई मशीन होती है, आजकल जगह जगह मशीन होती है जिसमें रोटी बनाने की मशीन होती है, एक तरफ से सूखा आटा डाला जाता है, पानी डाला जाता है, फिर वो पूरा प्रोसेस होकर के रोटी बन के तैयार होके आ जाती है ना। उसी प्रकार से ये जो 9 स्कंद हैं भागवतम के, ये हमको प्योरीफाई करते हैं। प्रथम स्कंद श्रवणम, दूसरा स्कंद कीर्तनम, फिर स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को पूरा सौंप दिया, समर्पण कर दिया। तब कृष्ण ने बोला आ जाओ, अब तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हारा हूं। जो तू आवे एक पग, एक पग, कृष्ण बोल रहे हैं मैं आऊं पग 60, 60 स्टेप्स। जो तू करो काट सो, मैं लोहे की लाठ। अगर तुम लकड़ी की तरह कठोर बनोगे तो मैं लोहे की लठ बन जाऊंगा, लेकिन तुम अगर एक पग मेरी तरफ बढ़ाओ तो मैं 60 पग आऊंगा तुम्हारी तरफ, तुम कोशिश तो करो। तो ये नवधा भक्ति की प्रोसेस से गुजर के हम दशम स्कंद में कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये है मृत्यु से मुक्ति की प्रोसेस, है ना, और शाश्वत जीवन की प्राप्ति, श्रीमद् भागवतम के द्वारा शाश्वत जीवन की प्राप्ति। क्योंकि सीधी सी बात है, हम अपने आप को समझ जाएंगे कि हम आत्मा है, मरना नहीं है, तो हमको पता चल जाएगा जब हमको मरना नहीं है तो मृत्यु से भय किस बात का। परीक्षित जी महाराज की भी तो वही पूरी चल रही है ना यहाँ पर। उनको वैसे तो उनको कोई भय नहीं था मृत्यु का, उन्होंने जैसे ही सुना कि आपको शाप लगा है, तुरंत सब कुछ छोड़ के, मलवत छोड़ दिया सब कुछ, एक क्षण की देर नहीं की, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषिक्त करके निकल गए। तो इस प्रकार से उनके अंदर इच्छा थी, वो मुमुक्षु थे, उनके अंदर शाश्वत जीवन की इच्छा थी। तो जो मुमुक्षु होते हैं, पहले हमने क्या चर्चा की, जो जिसके पीछे जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें जिसका प्रेम होता है, जिस चीज के लिए, वो उसी के पीछे प्रयास करेगा। तो उनके अंदर मुमुक्षुता थी, मोक्ष कामना थी, मुक्ति की कामना थी, शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक थे, इसीलिए उन्होंने भागवतम का आश्रय लिया, है ना। आगे कह रहे हैं कि जिनके अंदर ऐसी इच्छा होती है, अर्थात शाश्वत जीवन प्राप्ति की जिनके अंदर इच्छा होती है, वो क्या करते हैं, मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो यहां पर यमराज को बुला करके कह रहे हैं, अर्थात श्रीमद् भागवतम का नित्य अध्ययन। क्योंकि ये जो भक्त है ना, ये सारे जो देवी देवता है ना, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तभी तो ना उस पद पर बैठे हैं जाकर के, वरना हम कहाँ और देवी देवता कहाँ। उनके पास पावर है, क्यों है, क्योंकि उनका जो भाव है भगवान के प्रति वो शुद्ध है ना। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उसको पावर होती है, क्यों, क्योंकि वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनके प्रति पूरा डेडिकेटेड है, उसका पूरा जो अटेंशन है, पूरा उसका जो उसकी सेवा है, उसकी सर्विसेस है, उसने प्राइम मिनिस्टर को सौंप दी है ना। तो इसलिए वो पर्सनल असिस्टेंट, वो पर्सनल सेक्रेटरी भी, उसका भी पद ऊंचा है, जस्ट लाइक पीएम। बट पीएम के बराबर नहीं, मतलब पावर तो है, उसी प्रकार से हम समझे देवी देवताओं को भी पावर है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं, क्योंकि भगवान तो असमूर्ध्व, ना उनके बराबर कोई है, ना उनके ऊपर कोई है, है ना। तो आगे तात्पर्य में कह रहे हैं कि जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। तो निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन, मतलब हम सभी जानते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये बहुत दुर्लभ है। देहिनाम क्षण भंगुरा, और ये जो मनुष्य है उसमें भी 4 लाख
योनियां हैं, और हमको जो मिला है ये वैष्णव होने का पद, ये सबसे टॉप मोस्ट है। क्योंकि शिवजी स्वयं बोलते हैं कि कोई 100 वर्षों तक अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो वो ब्रह्मा के लेवल तक पहुंचता है, और अगर कोई 1000 वर्षों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो वो मेरे को प्राप्त करता है, शिवजी बोलते हैं। लेकिन यदि कोई एक जीवन में शुद्ध भक्त वैष्णव बन जाए तो वो साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है ना। कितनी बड़ी बात है, मतलब कृष्ण को प्राप्त करना इतना सरल हो गया और देवी देवताओं को प्राप्त करना मुश्किल हो गया। ये है कलयुग की विशेषता, और हमको इसमें स्थान मिला है, और वैष्णव हम लोग बन गए प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो पशु जीवन से हम उच्चतर जीवन में आए हैं, विकास हमारा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इच्छा है मृत्यु पाश से मुक्त होने की, और जिनकी इच्छा होती है वही आए ना, बाकी सब तो नहीं आए। इतनी जनसंख्या है विश्व में, क्या सभी भक्ति मार्ग से जुड़े हैं? नहीं। जिनके अंदर वो जिज्ञासा है कि कैसे मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता हूं, कुछ कारण, कुछ इसका रास्ता है, कुछ साधन है, अगर है तो क्या है, उसके पीछे जब कोई सर्च में लग जाता है, उसकी खोज में जब लग जाता है, उसके अनुसंधान में लग जाता है, हाँ, तब वो व्यक्ति असल में कृष्ण भावनामृत में आता है। जब उस व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मुझे मृत्यु, जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त होना है। आगे कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। तो एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की, जीवन का स्रोत जीवन, बहुत सुंदर पुस्तक है। उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने खुले तौर पे वैज्ञानिकों को चुनौती दी, बिल्कुल खुल करके, और बहुत कुछ उसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने उसमें समझाया है कि किस प्रकार से ये वैज्ञानिक जो है लेबोरेटरीज में कोशिशें कर रहे हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो है पदार्थ से या जो भी होता है उससे जीवन की उत्पत्ति की जाए, या मृत्यु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या जीवन को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो वो वैज्ञानिक एक क्षण के लिए ये नहीं सोचते कि अगर अब हमारे पास इतनी सामर्थ्य होती तो ये हमारा जो बाल है ये क्यों सफेद हो गया, इसको हमने रोक नहीं लिया सफेद होने, अरे रुक जा भैया मेरे पास सामर्थ्य है, मैं कुछ रिसर्च के द्वारा, नहीं सामर्थ्य है, इसको क्षय होना है, इसको क्षीण होना है, इसको मरना है, ये मरेगा। लेकिन मूर्ख, प्रभुपाद तो स्पष्ट रूप से बोलते थे, इनको धूर्त मूर्ख बोलते थे वैज्ञानिकों को, ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी करते। कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, जा ही नहीं सकते चांद पर। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया जाए तो उसमें पता चलता है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए पहले सौर मंडल को क्रॉस करना होता है, और उसको क्रॉस करने की सामर्थ्य नहीं है। अग्नि है वो साक्षात सूर्य, कोई सूर्य ग्रह कोई इतना मतलब साधारण ग्रह है क्या? भयंकर तेज है उसमें, उसको क्रॉस करके चंद्रमा पर जाने की सामर्थ्य है ही नहीं। इन फिर भी कुछ मूर्ख तथ्य ये लोग प्रस्तुत करते हैं, जैसी इनकी बुद्धि है उसके अनुसार ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आखिरकार उन वैज्ञानिकों को भी मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अगर उनमें इतनी सामर्थ्य हो तो अपनी मृत्यु को क्यों नहीं टाल देते, किसी और को बोले कि हम आपकी मृत्यु टाल देंगे, हम रिसर्च कर रहे हैं अभी एक बहुत बड़ी, हाँ वो एक कुछ है कौन से देश में मुझे याद नहीं आ रहा है, वो लार्ज कोलाइडर इस प्रकार से कुछ मशीन बनाया था, उसमें गॉड पार्टिकल, जेनेवा, हाँ सही वाला माता जी ने, जेनेवा में एक बहुत बड़ा मशीन बनाया था जिसको लार्ज कोलाइडर इस प्रकार से उसका कुछ नाम है, उसमें गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल को ढूंढना चाहते हैं। अरे आत्मा को देखने की सामर्थ्य नहीं है, तुम परमात्मा को देखने की चेष्टा कर रहे हो,
आत्मा के लिए कहा गया है उपनिषदों में कि बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य यत। ये जो बाल है हमारा, एक बाल, इस बाल का जो अग्र भाग होता है, जो एज होता है, बालाग्र शतभागस्य, उस एज के, उस छोटे से किनारे के अगर 100 टुकड़े किए जाएं, शतदा कल्पितस्य यत, उस 100 टुकड़े में से एक टुकड़े के फिर 100 टुकड़े किए जाएं, उससे भी 10,000 गुना सूक्ष्म है आत्मा। हम कभी नहीं देख सकते उसको वैज्ञानिकों की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जा सकता है, किंतु किंतु इन वैज्ञानिकों की भौतिक दृष्टि से देखना असंभव है। तो इसीलिए शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। आजकल की जनरेशन सच में, मैं आज एक वीडियो मैंने देखा, हमारे दिल्ली इस्कॉन के कुछ डिवोटीज, जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, में नाम नहीं लूंगी, वहाँ कैंपस में जाकर के कुछ जो युवा युवती हैं उनसे पूछ रहे हैं, एक लड़की से पूछा कि राम जी के पिताजी कौन हैं। उस लड़की ने 10 मिनट तक सोचती रही, वो जवाब नहीं दे पाई। सोचिए क्या अवस्था है हमारे देश की, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसको ये नहीं पता कि श्री रामचंद्र, जो हमारे सनातन संस्कृति में पूजनीय हैं, साक्षात श्री हरि के अवतार हैं, जो श्री रामचंद्र हमारे भगवान हैं, उनके पिता कौन हैं, उनका नाम नहीं पता। शर्म की बात है ये। केवल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, जब तक हम अपने सनातन संस्कृति के इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा सारा ज्ञान धूल में मिला हुआ है, उसका कोई मायने नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, इनसे अगर धर्म के विषय में, अगर आध्यात्म के विषय में कुछ पूछा जाए तो इनको कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है, जिस ज्ञान में उनको हमारा जो मूल है, जो हमारी जड़ है, उसके बारे में नहीं पता है। जिस डाल पे बैठे हैं बस उसी का थोड़ा बैकग्राउंड उनको पता है, लेकिन जिस जड़ में से हम आए हैं उसके बारे में नहीं पता। तो ये बहुत हास्यास्पद भी है और लज्जाजनक भी है। तो ये अवस्था हमारे देश की जनता की है, तो हम दूसरे लोगों को अपने देश के सनातन संस्कृति के विषय में क्या बता पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया तो वहां भी लोगों को जो है आक्षेप उठाने को, मतलब आक्षेप उठाते हैं लोग कि जो है इस प्रकार से केवल विदेशियों को ला करके एक संस्था बना लिया। शर्म की बात है, प्रभुपाद ने पहले भारत में ही प्रयास किया था, लेकिन भारतीय लोगों को तो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने की आदत है ना, तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि लो आप फॉलो करो, बहुत फॉलो करते हो पश्चिमी लोगों को, आप फॉलो करो, देखो वो पूरा सनातन संस्कृति में आ गए हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सिर मुंडा के शिखा रखते हैं, कंठी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, अब फॉलो करो उनको। तो हम हमारे मुद्दे पर आते हैं। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। किसी को नहीं छोड़ती मृत्यु, ध्रुव जी महाराज की तरह सब थोड़ी हो जाते हैं कि मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के माथे पे पैर रख कर के विमान में चढ़ के वैकुंठ लोक सिधारे, सब ध्रुव जी नहीं हो जाते। और ध्रुव बनने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, उनके अनुसार आचरण करना पड़ता है। ध्रुव जी की तरह माता भी होनी चाहिए सुनीति, जो बेटे को भक्ति के लिए, वरना आजकल की माता है, अरे हमारा बेटा ब्रह्मचारी ना बन जाए कहीं, बचाओ बचाओ इस कौन से बचाओ। मैंने खुद ने देखा एक वीडियो, गुजरात का एक वीडियो, जिसमें एक माता पिता बहुत वहां पर पुलिस स्टेशन में जाकर के चीख चिल्ला रहे हैं कि हमारा इकलौता बेटा है ये वो। तो भक्त बने लेकिन मेरे घर से नहीं, पड़ोसी के घर से। मीराबाई निकलनी चाहिए समाज में लेकिन मेरी बेटी नहीं, पड़ोसी की बेटी। तो ये जो दोहरी सोच है ये समझ में नहीं आती, बहुत हास्यास्पद है, बहुत इसमें दुख होता है कि ऐसी सोच क्यों है, दोहरी सोच। अगर
आपका खुद का बेटा भी अगर भक्त बन रहा है तो आपको तो गर्व का अनुभव होना चाहिए कि आपका पुत्र इतना, मतलब केवल अपना नहीं पूरे कुल का उद्धार करने के लिए प्रहलाद बन के पूरे 21 पीढ़ियों को तारने के लिए निकल पड़ा। क्या आपके उस इंजीनियर बेटे में यह सामर्थ्य है कि आपकी 21 पीढ़ियों को तार दे? अरे वो अपना घर नहीं चला सकता, हाँ भौतिक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वो गधे की तरह जुता हुआ है, वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, वो कुल का क्या उद्धार करेगा? लेकिन एक बेटा अगर भक्ति मार्ग में अपने आप को समर्पित कर दे और 21 पीढ़ियों को तार दे तो वहां आपको कष्ट होता है, तो बहुत विकट परिस्थिति है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। चाणक्य पंडित कहते थे कि संसार की जितनी भी संपदा है, जितना भी धन दौलत सब कुछ देकर भी आप एक समय का क्षण, एक निमिष मात्र नहीं ले सकते उसके बदले में। इतना इतना मूल्यवान है समय, इतना मूल्यवान है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इट्स कंप्लीटली बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ओके, तो यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए, क्योंकि हरि की कथा होए जब जहां, गंगा हू चली आवे तहां, और सभी देवी देवता वहां एकत्रित होते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार विदेश में कहीं सत्संग कर रहे थे, श्रीमद भगवद गीता का क्लास दे रहे थे, तो उस संध्या को क्या हुआ कि कुछ ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हुए, कुछ 2-3 लोग ही आए होंगे। तो उनमें से एक ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद आज ज्यादा लोग नहीं आए, आज बहुत कम लोग आए। बोले श्रील प्रभुपाद ने कहा, किसने कहा तुमसे? अभी अभी नारद जी उठ के गए, अभी अभी यहां से नारद जी प्रहलाद जी महाराज जैसे ही ये क्लास पूरा हुआ सब उठ करके गए। तो ये भक्तगण जहां भी भगवान की कथा होती है, ये तो रसिया है कथा के, मतलब रस के भवरे होते हैं ना। जो पिछला श्लोक था उसमें यही था कि ये जो भगवान के भक्त है ना, ये भगवान की कथा रूपी रस को चाटने के, मतलब लोलुपता रहती है उनके अंदर, इतना लालच रहता है कि जहां कथा हो दौड़ पड़ते हैं। और इसका एक उदाहरण बहुत सुंदर है कि हनुमान जी महाराज जहां भी हरि कथा, राम कथा, कृष्ण कथा होती है वहां निश्चित रूप से पहुंचते हैं, चाहे हमको दिखाई दे या ना दे, वो हमारे नेत्रों का दोष है। तो एक बार एक गोसाई जी कथा कर रहे थे, रामचरित्र सुना रहे थे, तो कथा में आया प्रसंग कि जब माता सीता से भेंट करने के लिए, माता सीता का अनुसंधान करने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए थे लंका अशोक वाटिका में, तो वहां पर जब वो पेड़ पर चढ़कर देख रहे थे कि रावण ने आकर के इस प्रकार से बहुत धमकाया माता सीता को और फिर चला गया, तो माता सीता विलाप कर रही है इत्यादि, तो हनुमान जी जब देख रहे थे तो वो जो कथा बोल रहे हैं कथा व्यास, वो बोल रहे हैं कि वहां अशोक वाटिका में जब हनुमान जी माता सीता से मिलने, उनसे भेंट करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे अशोक वाटिका में, तो वहां पर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे, है ना। लेकिन हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, अभी चुप हैं जब तक कथा पूरी नहीं हो जाती, फिर बाद में बात करेंगे उससे कथा व्यास से। तो हनुमान जी महाराज बोल रहे, ये तो सरासर झूठ बोल रहे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, वहां लाल कलर के रंग फूल खिले हुए थे, है ना। लेकिन अब कथा पूरी हुई तब जाकर के जो है कथा व्यास से हनुमान जी महाराज बोले, आपने ऐसा क्यों बोला कि वहां पर सफेद रंग के फूल खिले हुए थे? मैंने अपनी आंखों से देखा वहां पे लाल रंग के फूल खिले हुए थे। बोले, नहीं हनुमान जी महाराज, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वहां श्वेत रंग के फूल थे। बोले, अच्छा क्या प्रमाण है आपके पास? तो कथा व्यास ने कहा, ठीक है, जो वहां पर उस समय वहां पर उपस्थित था माता सीता, उनको बुलाइए, वो इस बात की जो है विटनेस, वो इस बात की पुष्टि करेंगी, वो इस बात की साक्षी देंगी कि वहां पर श्वेत रंग के पुष्प थे या लाल रंग के, रक्त वर्ण के पुष्प थे। तो जो कथा व्यास, उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, हनुमान जी के बहाने से मुझे माता सीता के भी दर्शन हो जाएंगे, लगे हाथ। तो माता सीता आई है, तो उन्होंने वहां पर साक्षी दिया, बोले हाँ
कथा व्यास जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वहां पर श्वेत रंग के पुष्प थे। हनुमान जी महाराज बोले, माता आप भी इनके साइड पर होंगी, हो गई, ये तो गलत बात है। बोले, नहीं पुत्र, वहां पर श्वेत रंग के ही पुष्प थे, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में इतना क्रोध भरा हुआ था, क्रोध की अग्नि तुम्हारे अंदर, रावण का जो अत्याचार है उसको देखकर तुम्हारे अंदर इतना क्रोध आ गया था कि वो श्वेत रंग के पुष्प भी आपको लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि श्री हनुमान जी महाराज तो नित्य जहां जहां कथा होती है उतने अनंत रूप बना करके हर कथा में उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह कथा हो रही है वहां पे गए फिर अगली जगह, नहीं, अनंत रूप बना करके। क्योंकि जब श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ या पंचम स्कंद, मुझे श्रवण नहीं आ रहा है, जो प्रथु महाराज का चरित्र है, तो प्रथु महाराज के ने जब 99 अश्वमेध यज्ञ किए तब वहां पर भगवान उपस्थित हुए थे दर्शन देने के लिए कि आपको जो भी चाहिए आप मांग लो। तो प्रथु महाराज ने कहा था, मैंने इंद्रासन के लालच में ये अश्वमेध यज्ञ नहीं किए, मुझे बहुत मतलब इच्छा थी कि मुझे आपका दर्शन हो, मुझे आपका साक्षात्कार करना था, इसीलिए मैंने ये अश्वमेध यज्ञ किया, मुझे इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, मैं आपकी प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कर रहा था। तो भगवान आए हैं, भगवान ने दर्शन दिया, तो प्रथु महाराज ने उनसे क्या मांगा है? बोले, मुझे आप इन दो कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए, 10,000 कानों की शक्ति। उन्होंने कहा वहां पर कि मुझे 10,000 कान दीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी पूरे शरीर में कान ही कान हो जाए और वो कथा सुनते रहे, नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि मेरे इन दो कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आ जाए और जहां जहां विश्व में कोने कोने में आपकी कथा हो रही है मैं वो सुन सकूं और निरंतर इन कर्ण रंध्रों से आपकी कथा रूपी अमृत का पान करता रहूं, करता रहूं। क्योंकि ये जो कथा है ना, ये सफाई करती है हृदय की, निर्मल करती है। चेतो दर्पण मार्जना। हमारा मान लीजिए घर में एक मिरर है, हम उसको एक दिन साफ करेंगे और फिर कहेंगे कि अब इसको साफ नहीं करना आज के बाद कभी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो डस्ट तो फिर आएगी, फिर लगेगी उस पर। उसी प्रकार से ये जो हमारा हृदय रूपी दर्पण है उसको साफ करने का जो साधन है वो है हरि कथा, ये सत्संग, ये भागवत, ये रामचरितमानस, गीता इत्यादि, ये सब हमारे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के साधन है ना। तो इनका तो निरंतर सेवन होना ही चाहिए, अन्यथा धूल जम जाएगी, मैल जम जाएगा। और श्री रामचंद्र तो कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि जब तक निर्मलता नहीं आएंगी तब तक तो आप मेरे पास आ नहीं सकते, इसलिए पहले निर्मल बनो मेरी कथा को सुन सुन के और फिर आओ मेरे पास। मैं हाथ फैलाए खड़ा हूँ, जगन्नाथ भगवान खड़े हैं ना हाथ फैला करके, दोनों भुजाएं फैला करके, आ जाओ मेरे पास, है ना। तो यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें इन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। तो ये जो द्वादश महाजन है, तीन प्रकार के भागवत होते हैं, एक होते हैं भागवत, एक होते हैं परम भागवत, एक होते हैं महाभागवत। तो ये महाभागवत की श्रेणी में आते हैं यमराज जी, धर्मराज, जो मृत्यु के देवता हैं। तो उनको भगवान की कथा से इतना प्रेम है, जहां कथा होती है वे निश्चित रूप से आते ही हैं, सभी आते हैं, जितने भी महाजन हैं, जितने भागवत हैं, जितने भी शुद्ध भक्त हैं, देवी देवता हैं, वे सभी कथा के रसिक हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान कोई भी लीला करते हैं, दशम स्कंद में हम पढ़ते हैं, कोई भी लीला कृष्ण कर रहे हैं तो देवी देवता ऊपर से निहार रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अघासुर मारा पुष्प वर्षा हुई, बकासुर मारा, मतलब वो भगवान की लीलाओं के इतने रसिक हैं, देख भी रहे हैं और कथा के माध्यम से भी उसका पान करना चाहते हैं, किंतु उन लोगों को सुलभ नहीं है। जब आए थे सुखदेव जी के पास में अमृत कलश लेकर के, तो वहां पर क्या हुआ था, सुखदेव जी ने उनको फटकार दिया था, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहां आपका ये कांच का टुकड़ा और कहां ये मणि, हाँ
आप कांच के टुकड़े से के बदले में मणि लेना चाहते हो, चले जाओ यहां से। तो देवताओं को भी दुर्लभ है ये हरि कथा, लेकिन हम लोगों को इतनी सुलभ है कि हम रोज सुन सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं। और रोज क्या, दिन में कितनी बार सुनो, कौन रोकता है? फोन में लगाओ, यूट्यूब में सुनते रहो, अपना काम भी करते रहो और कथा भी सुनते रहो। तो ये जो है मृत्यु लोक में सबसे बड़ा जो है एडवांटेज है मनुष्य शरीर प्राप्त होने का। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। तो हम समझ गए कि जो नैमिषारण्य में कथा हो रही थी, सूत गोस्वामी जिस कथा का वर्णन कर रहे थे, शौनक आदि 88,000 ऋषि सुन रहे थे, वहां पर यमराज जी को भी निमंत्रित किया गया था, वो वहां पर आकर के बैठे थे कथा सुनने के लिए। अब उसके विषय में हम अगले श्लोक में चर्चा करते हैं। अगले श्लोक में यानी कि 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहां पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं? माता जी को पानी दे दीजिए। नहीं, मुझे खांसी एलर्जी। ओह अच्छा, एसी से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, नहीं। अच्छा, तो ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहां पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। आप कथा सुनाते जाइए सूत गोस्वामी जी। शौनक ऋषि ने आगे भी कहा है कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि हे सूत जी महाराज, आपके जो मुखारविंद से निसृत जो ये कथा है ना, ये हमारे कानों के लिए रसायन है। रसायन, औषधि, ये अलग अलग चीजें हैं हम लोगों के लिए। हम भव बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव हैं, इसीलिए हमारे लिए ये भव औषधि है, भव से पार होने की दवा है। हम बीमार हैं, यहाँ पर हम सब हॉस्पिटल में आए हैं। ये मृत्यु लोक क्या है? हॉस्पिटल है। हम सब यहाँ पे मरीज हैं। किस चीज के मरीज हैं? भव रोग के, मोह माया के मरीज हैं, भव रोग के मरीज हैं, रोगी हैं। और हमारी जो औषधि है वो क्या है? हरिनाम, हरि कथा, है ना। लेकिन शौनकादि 88,000 ऋषि क्या बोल रहे हैं? सूताख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम, उन लोगों के लिए रसायन है। क्यों? क्योंकि वो तो भक्त ही हैं, लेकिन उस नशे में उनको बने रहना है। जो नशा करते हैं उन लोगों को नशे में बने रहने के लिए निरंतर उस नशे को चाहिए होता है। मान जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो निरंतर स्मोक करते हैं। कुछ चेन स्मोकर होते हैं ना, जो निरंतर स्मोकिंग करते रहते हैं उस नशे को अपने अंदर बनाए रखने के लिए। हाँ, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, फीलिंग आनी चाहिए। उसी प्रकार से ये जो शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, उनको निरंतर हरि भक्ति का, कृष्ण भक्ति का नशा बना रहे, इसीलिए उनके लिए एक कथा जो है रसायन का कार्य कर रही है। हाँ, रसायन मतलब वो नशा बना रहेगा, उतरेगा नहीं, उतरनी चाहिए भी नहीं। तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप सूत जी कथा सुनाते रहिए, क्योंकि यमराज स्वयं यहां बैठे हैं। ये देखिए, बैठे हुए यहां पर, वो बोल रहे थे शौनक ऋषि कि यहां पर ही बैठे हुए हैं, आप कथा सुनाते रहिए, किसी को मृत्यु का भय नहीं करना है। जब तक यमराज स्वयं यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, तब तक किसी को मृत्यु का भय होना ही नहीं चाहिए। आप तो बस कथा सुनाइए, हम कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहां पर। तो ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। वहां पर ऋषियों ने स्वयं आमंत्रित किया था यमराज को, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि अर्थात जो महाजन है, जो महाभागवत है, जो भागवत है, जो परम भागवत है, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। अर्थात भगवान की लीलाओं के मर्म को जानने वाले। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वित्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म कर्म इनके मर्म को समझता है कि मेरा आना क्यों होता है, मेरी लीलाएं क्यों होती हैं, मैं फिर कहाँ जाता हूँ, मेरा शरीर दिव्य है या तुम्हारी तरह पांच भौतिक है, इस सब के जो भेद को जान लेता है ना, वो मुक्त है, मुक्तात्मा है। और ये सब जो महाजन है, ये सब मुक्तात्माएं हैं। हाँ, तो 9 बज गया है,
हम जल्दी जल्दी इस को पूरा करते हैं श्लोक को। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज को मृत्यु का भय चला गया था। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज वहां, सुखदेव गोस्वामी आकर वहां बैठे और उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया, परीक्षित जी महाराज का सारा मृत्यु का भय चला गया था। हाँ, उनको मृत्यु का भय था भी नहीं। जब कथा के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने पूछा था कि राजन आप मरोगे, क्या आपकी ये पशु बुद्धि चली गई है या अभी भी है आपके अंदर, त्वम तु मरिष्यति राजन, मरिष्यसि राजन पशु बुद्धि मिमाम जही, कि आप मरोगे हे राजन, ऐसी पशु बुद्धि अभी भी आपके अंदर है या समाप्त हो गई है। तब राजन ने कहा था कि मेरी जो वो मृत्यु की भय वाली जो बुद्धि थी उसका नाश हो गया और अब मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित हूं। हाँ, अभी मुझे मृत्यु का भय नहीं, अभी आए तक्षक सर्प, मैं तो अपने चेतना में स्थित हूं, वो आएगा इस शरीर को ध्वंस करेगा, मेरा इस सबसे कुछ वास्ता नहीं, मैं तो अपने चेतना में स्थित हूं, अपनी कृष्ण भावनामृत की चेतना में स्थित हूं, है ना। तो इस प्रकार से कथा सुनने का जो श्रुति फल है, इस भागवतम को सुनने का जो सबसे मूल श्रुति फल है वो ये है कि मृत्यु का भय चला जाता है। तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो उस प्रोसेस को हम समझ गए, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि श्रीमद् भागवतम की शरण में आने से, हरिनाम की शरण में आने से मृत्यु का भय चला जाता है। जब पता ही चल जाता है कि हम शरीर नहीं है तो मृत्यु का भय कैसा, है ना। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना, यानी कि नित्यम भागवत सेवया, है ना, नित्य भागवत सुनते रहिए और मृत्यु के भय से सदैव के लिए मुक्ति पा लीजिए, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। अतएव यहां पर सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। क्या है उनकी जीवन शैली, शौनक आदि 88,000 ऋषियों की? निरंतर कथा ही सुनते रहते हैं। सूत जी को बैठा दिया है आसन पे और निरंतर बस कथा ही सुनते रहते हैं। तो कथा सुनना मतलब उनकी जीवन शैली क्या है, कथा सुनना। उसी जीवन शैली को हमको अपनाना है तो उससे क्या होगा, हम लोग भी मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे और हम अपने निज जो हमारा स्वरूप है, कृष्ण के दासत्व का जो हमारा स्वरूप है उसमें हम स्थित हो जाएंगे। ये ही है इन दोनों श्लोकों का आज का सार सार तत्व। हम समझ गए जीवन का जो असल उद्देश्य है वो है भगवान की कथा का निरंतर पान करना और मृत्यु के भय से मुक्ति। आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। आप में से यदि किसी वैष्णव का कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है? नहीं, कमेंट है। हाँ, आपने बोला कि वो देवता आदि सभी होते हैं और वैष्णव भी है। तो सतरूप महाराज ने एक बार द्रौपद को पूछा कि आप कहते हैं वैष्णव भी डिवोटी है और देवता लोग भी डिवोटी है, तो उसमें अंतर क्या है? तो शिला प्रभुपद ने जवाब दिया, वन डे आई विल शो यू द पावर ऑफ डिवोटीज, यू विल फाइंड आउट। मतलब कि आप जानेंगे कि वैष्णव क्या होता है। अच्छा, ऐसा प्रभुपद ने बोला था। दूसरा पॉइंट है कि इमीडिएटली जैसे आपने जनेवा का स्वर्ण का बोला ना, उसका नाम है स्वर्ण, CERN। तो हाइड्रोजन कोलाइडर इसलिए बनाया है कि उनको वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करना था। अच्छा, वहां से पोर्टल खोलते हैं कि नेगेटिव एंटिटी आती है और शिव जी का त्रांडव नृत्य वाला मूर्ति रखा है, क्योंकि उनको पता है कि त्रांडव नृत्य करते हैं तभी प्रलय होता है, तो उन लोगों को वो करना था। अच्छा, लेकिन करते करते एक्सपेरिमेंट में उसको गॉड पार्टिकल मिल गया। तो स्टीवन हॉकिंग भी ऐसे
एथिस्ट बन गया, सभी को वार्निंग देने लगा, तो आप रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में। ग्रेट। और दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनो, कि ऐसे यमराज इधर आया और हमको पता है कि विदुर जी वो यमराज था, तो ये यमराज कौन है? यमराज जो आए सुनने के लिए, तो ये जो सूतो गोस्वामी कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य के वन में बैठ करके, वो तो बहुत बाद की घटना है। मतलब वो तो लगभग कलयुग आ चुका था तब की घटना है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी उन दोनों को लेकर के वहां से चले गए थे हस्तिनापुर से, और वन में जाकर के उन्होंने उनको भक्ति का उपदेश दिया धृतराष्ट्र और गांधारी को। तो वो लोग अपनी चेतना में स्थित होकर के, और धृतराष्ट्र जो है उनके शरीर योगाग्नि से वहां पर जल के भस्म हो गया था, और उसी अग्नि में फिर उनकी पत्नी गांधारी भी प्रविष्ट हो गई और उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। और फिर विदुर जी महाराज जो है वो अपने निज यमराज उसी टाइम भी थे, सुखदेव गोस्वामी के टाइम भी, राइट? हाँ, इतने सारे सभी आए थे ना। हाँ, तो देख, उसी टाइम भी थे। तो मेरा कहने का है कि वो यमराज कौन है? वो अर्यमा है। हाँ, जो 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं, माता अदिति और कश्यप के जो 12 पुत्र हैं आदित्य, उनमें से एक है अर्यमा। तो वो अर्यमा को यमराज बनाया गया था, क्योंकि उस समय पोस्ट, वो सीट खाली था, तो अब किसी को तो बनाना होता है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री वो वैसे होता है ना, तो इसलिए अर्यमा को वहां पर यमराज बनाया गया था, इसलिए वो यमराज वहां पर कथा में उपस्थित थे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।